प्रोफाइल सीसी प्रोफाइल सीसी कहां यहां की वहां कहां पहले इधर आ जाइए जी कब से आए ना हाँ ट्रैफिक यार नो नो मैं बोलूँ हमारा ट्रैफिक एक्चुअली आज मीडिया वालों के लिए भी कंफ्यूजन है ना कहाँ जगह जाना है तीन 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 जगह ना सना सुल्तान और सना सुल्तान हाथ कर दिया मैंने उन लोगों को हाँ बोला था बोलने को अपना हो जाएगा मैं तो निशा को हाँ बोली थी मैं निशा को बोली वो मुझे बोला आओ जोर से बोलो मेरे को सुनाई नहीं दे रहा बस इतना बहुत एक्साइटेड है बहुत खुश है अभी भी ट्रेंड कर रहा है गाना आई थिंक 43 पे कुछ 40 पे कुछ ट्रेंड कर रहा है थर्ड डे भी इट्स ट्रेंडिंग तो आई गेस इट्स अ सक्सेस हाँ एक तो मुझे ज़्यादा खुशी इसलिए क्योंकि मेरे और समीक्षा का सॉन्ग है और हाँ ठीक है बोल 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 मतलब लाइक पहला लाइक वैसा सॉन्ग है कि हाँ हाँ मतलब हमारे हमने कुछ इश्यूज फेस किए थे हमारे कुछ फर्स्ट सॉन्ग के टाइम बट आफ्टर दैट इतना अच्छा रिस्पॉन्स आना इतना पब्लिक ने हमारी केमिस्ट्री इतनी पसंद करी है और इतना अप्रिसिएशन दिया है हमें कि वी आर रियली ग्रेटफुल दिस इज द सॉन्ग व्हिच वाज आई थिंक सपोज टू बी द फर्स्ट वन बट या पर बंदा छोड़ गया क्या मतलब इसका क्या मतलब निकालेगा मुझे मरता हुआ ये छोड़ गया और मेरा मरता हुआ छोड़ जाने का अलग है मेरे को मरता हुआ क्यों छोड़ के गया क्योंकि मैं मर रहा अरे यार अभी हो गया तीन दिन से ट्रेंड कर रहा है आधी से ज्यादा पब्लिक देख चुकी है ठीक है अगर तो भी नहीं देखा है तो अब तो बता ही दिया ये मैं बोलने वाली थी जाके वीडियो देखो जाओ जाओ बट आप देखो आप लोगों को बहुत मजा आएगा बहुत इमोशनल स्टोरी है किस तरह से छोड़ गया ये है तो क्या कहना चाहोगे हमने काफ़ी ब्रेनस्टॉर्म किया था इस कॉन्सेप्ट को लेके मैंने समीक्षा पाजी हम साथ में बैठे थे हम रीड कर रहे थे कि हम कैसे करना चाहिए और क्या करें तब जाके कहीं ना कहीं से दिमाग में ऐसा कुछ आया कि ऐसा कुछ कर सकते हैं तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लोज है हमारे क्योंकि हमने साथ में बैठ के दुबई में ही डिस्कस किए थे डिस्कस किया था हाँ शूट के दो दिन पहले कि क्या करना है बट हाँ मतलब इमोशनल था बहुत रोए हम तो रोते ही रहते हैं वैसे और इस गाने में भी हम लोग जैसे रो रहे थे तो रो रो के फुल ऐसे हो गया था कि आंखें अभी कहीं भी अभी खड़े हो जाए वहाँ पे भी खड़े होकर रो सकते हैं बस मतलब आज भी हम लोग रोने की उसमें मायूसी के कारण हमारे साथ भाविन नहीं है आई नो भाविन नहीं क्योंकि उसको भी अर्जेंटली कुछ काम के लिए अहमदाबाद जाना पड़ा है सैड बट क्या करें आना पड़ा था हमें यहाँ कॉम्पिटिशन तो इतना ही बढ़ गया कि देख लो आज तीन दिन लॉन्च है आप लोग को दूसरी जगह भी जाना है तो और क्या बोलूँ कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हर एक दिन कम से कम 4 से 5 म्यूज़िक वीडियोस रिलीज़ हो रही है हर एक महीने हम दूसरे की क्या बात करें हमारे खुद के महीने में दो दो तीन तीन म्यूज़िक वीडियोस आ जाते हैं हमारे ना चाहते हुए भी बट उसके बावजूद सॉन्ग का तीन दिन ट्रेंड करना और इतना अच्छा अप्रिसिएशन मिलना यार बहुत तो लोगों का प्यार ही है मतलब इतना प्यार करते हैं लोग तीन दिन तक ट्रेंड कर रहा है गाना और कॉम्पिटिशन मुझे लगता है कि हम किसी के साथ कम्पीट नहीं करते हम सिर्फ अपने आप से कम्पीट करते हैं तो वी जस्ट ट्राई टू डू हर दिन हम कुछ बेटर करने की कोशिश करते हैं तो हमारा कंपटीशन सिर्फ हमसे ही है सो जैसे हमारा जो लास्ट टू लास्ट सॉन्ग थे हम उससे कंपेयर करते हैं कि उस पे कितना बेटर हुए कि नहीं हां बिल्कुल तो वो कंपैरिजन है बाकी कुछ कंपटीशन नहीं है सॉरी
चला पूछा अभी मैंने छोटा पहना है यार मतलब मेरे पैर के नीचे आता हूं उधर कर दो पहले तो सबसे पहले मैं सर को थैंक यू देना चाहूँगा वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स रत्नाकर जी सुमित जी हैं नेता जी एंड आई हैव बीन आई थिंक इनका सपोर्ट रहा है और इनकी वजह से ये गाना ट्रेंड भी करा है एंड अबव ऑल विशाल एंड समीक्षा हम जब भी साथ में आते हैं तो कुछ अच्छा ही होता है और बहुत बढ़िया होता है जैसे रुला के गया इश्क तू भी रोएगा तुम्हारी याद आई है इतने सारे हिट्स हुए हैं तो टचवुड फिर से हमने पूरी कोशिश की कि हम एक अच्छा ऑडियो और एक अच्छा वीडियो बनाएं और फिर से लोगों ने इसे पसंद किया है सो थैंक्स टू ऑल आवर फैंस एंड फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव टू ऑल ऑफ अस ऑलवेज और बाकी तो इन दोनों की जोड़ी तो लोग इतनी पसंद करते हैं और इन्हें देखना इतना चाहते हैं बैक टू बैक तो आई थिंक इट्स ऑल देयर फैन लव है वी आर इक्वली ग्रेटफुल टू सर मैम सर एंड एवरीवन रामजी पाजी जो रामजी पाजी को तो जितना थैंक करें उतना कम है बिकॉज व्हेन नो वन बिलीव्ड इन तीन तिगाड़ा फिर हमने रामजी पाजी डेड एंड यू नो गेव अस रुला के गैश एंड आप सबको पता है कि फिर क्या हुआ रुला के गैश के साथ मेड हिस्ट्री हाँ तो रामजी पाजी ने तब भी हमें बिलीव किया और आज तक हम साथ में हैं एंड जैसे कि पाजी ने कहा कि हमारा ट्यूनिंग काफ़ी अच्छा है हमारा कॉम्बिनेशन हम जो पता एक साथ में आते तो कुछ एक स्पार्क होता है फिर वो साथ में मज़ा भी आता है काम करने में मेरे को लगता है फिर वही वो वीडियो में भी दिखता है कि इतने मज़ेदार बनाए थे मतलब रोते हुए क्या मज़ा आता है मुझे नहीं पता बट बट हाँ वीडियो जो है वो बहुत मतलब हम कुछ भी करें बट ये एक काम जो है वो अलग हट के ही दिखता है हमेशा तो हमें भी बहुत प्यार रहता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है और हम बहुत चाहते हैं कि विश करते हैं कि बहुत अच्छे से चले आप सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ जो हैं वो सारे ट्रेंडिंग स्टार ही हैं तो कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है समीक्षा एंड विशाल एंड रामजी जो है हमारे बहुत फेवरेट हैं आज से नहीं थोड़ा बहुत सालों से बट ट्रेंडिंग स्टारों के साथ काम करना एक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है और जैसा ये लोग चाहते हैं उससे ज़्यादा हम लोग चाहते हैं कि और बेटर पोजिशनिंग हो और ये गाना जो है वो ट्रेनिंग में आने के बाद जो हैप्पीनेस है वो कंपनी की वो डबल हो जाती है क्योंकि तो आर्टिस्ट बड़े हैं तो ये कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे आर्टिस्ट और ये गाने जो है कंटिन्यू ऐसे ही चलते रहेंगे ऐसे ही सर आप अगर कुछ बता सके थोड़ा सा माइक राम जी के साथ हमारा प्यार बहुत सालों पुराना है और दिस इज़ फर्स्ट टाइम फाइनली वी हैव बीन कोलैबोरेटेड अगेन आफ्टर लाइक 5 to 6 ईयर्स और हर बार ये धमाका ही होता है और इस बार भी धमाका ही हुआ है और इस बार विशाल और समीक्षा भी हमारे साथ हैं तो दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल स्पॉट आगे आगे और देखिए नए नए धमाके देखने को मिलेंगे बड़े बड़े गाने हो सकता है पिक्चर्स भी देखने को मिले आगे आगे देखो पता है क्या काफ़ी कुछ लाइंड अप है हम सर के साथ भी मिलके काफ़ी प्रोजेक्ट्स लाइनअप किए हैं सो आप बहुत जल्द गाने देखेंगे एंड विशाल समीक्षा के साथ तो यू कीप सेइंग वी यू नो डू अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स और जल्द आई थिंक वेरी सून वील बी बैक विद अ सॉन्ग अगेन थैंक यू जी थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट